Myself, मोहम्मद आफ्ताब आमिर, आई एम स्टडिंग मेडिसिन एट इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ किर्गिस्तान। आज मैं उन स्टूडेंट्स के लिए इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा जो NEB देना चाह रहे हैं, नेशनल इक्विवेलेंसी बोर्ड का जो टेस्ट देना चाह रहे हैं, जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए होता है, जो इंटरनेशनली पाकिस्तान माइग्रेट करना चाह रहे हैं उनके लिए। सबसे पहले इन्फॉर्मेशन ये है कि अभी PMDC फंक्शनल हो चुकी है, अब उन्होंने NEB की जो डेट्स हैं और रजिस्ट्रेशन पोर्टल है उसको ओपन करना है, फिर डेट फाइनल करेंगे कब होगा। पहले तो PMC के दौर में पाकिस्तान में दो बार होता था ये टेस्ट, एक तो फेब में और दूसरा फिर जून या जुलाई में या दिसंबर में होता था, तो फेब वाला। अब ये है कि अब लेट हो चुका है, मे बी फेब में हो या मार्च में हो। उसका पहले मैं आपको क्राइटेरिया बता देता हूँ कि आपके पास ट्रांसक्रिप्ट होनी चाहिए, आपके सारे क्वेश्चंस का मैं आंसर भी दूंगा। उस पहले आप इस चीज़ को समझें कि आपके पास ट्रांसक्रिप्ट होनी चाहिए जितने आपने साल कर लिए हैं। ये होता है आप पाकिस्तान में अगर तीसरे साल में जाना चाह रहे हैं, चौथे में या पांचवें में, तब आप ये टेस्ट दे सकते हैं, उससे पहले नहीं आप जा सकते। जिस साल में भी आप जाना चाह रहे हैं उससे पहले कि आपके पास ट्रांसक्रिप्ट होनी चाहिए बाकी डॉक्यूमेंट्स के साथ। ट्रांसक्रिप्ट मीन जितना आपने पढ़ लिया उसके आपके पास रेगुलर क्लासेस के क्रेडिट आवर होने चाहिए और सब जितनी भी एक्सपीरियंस में सारा कुछ होना चाहिए। ये फेब सेशन के लिए है और जो अब फेब वाला होने जा रहा है, इसमें आपके पास अगर ट्रांसक्रिप्ट नहीं है तो वो आप NEB नहीं दे सकते। ट्रांसक्रिप्ट लेने का मतलब ये है कि अगर आपने अभी आपका सेमेस्टर ओवर हुआ है, आप किसी भी कंट्री में पढ़ रहे हैं, अब अगर अभी आपका सेमेस्टर ओवर हुआ आपको ट्रांसक्रिप्ट नहीं मिली तो आप इस वाले NEB में NEP नहीं दे सकते, फिर आपको जून वाला NEP देना पड़ेगा। उसके लिए ये है कि आप अभी अपना सेमेस्टर यहाँ से फ्रीज करवा दें या फिर अपनी ट्रांसक्रिप्ट लें, पाकिस्तान चले जाएं और उसकी तैयारी करें और आप NEP दें। लेकिन अगर आप इधर भी पढ़ते हैं और आप NEP भी देना चाह रहे हैं तो अगर आपका पाकिस्तान में फिर NEP क्लियर हो जाता है उसके बाद तो ये वाली जो फ़ी है वो फिर ज़ाया हो जाएगी। कुछ स्टूडेंट्स इस तरह करते हैं, लेकिन उसका भी मैं बताता हूँ आपको क्या रीज़न है। ट्रांसक्रिप्ट बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये है कि अभी जो फेब में उनका सेमेस्टर ओवर हुआ है, ट्रांसक्रिप्ट उन्हें जाके मिलेगी मार्च या अप्रैल में, लेकिन NEP उनका ये वाला नहीं होगा, फिर वो जून वाला देंगे, वो पाकिस्तान जा सकते हैं, अपनी तैयारी करें NEP की और दें। और जो एक साथ बैक होने वाला सीन है वो मैं आपको बताता हूँ किस तरह होता है। अगर तो आपने फेब वाला दिया है NEP, आपके पास ट्रांसक्रिप्ट थी पिछले साल की, सपोज आपने पाकिस्तान में थर्ड ईयर में जाना है, आपके पिछले दो साल की ट्रांसक्रिप्ट है आपके पास, आपने जाके ट्रांसक्रिप्ट शो करवाई NEP के लिए, पीयर हुआ NEP दिया, आपने क्लियर किया, पाकिस्तान में थर्ड ईयर में बैठ सकते हैं, नो इशू। अगर आप जून में देंगे तो जून वाले में भी आप थर्ड ईयर में बैठ सकते हैं, लेकिन वो इशू करते हैं। उस इशू को सॉल्व करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। आप जिस यूनिवर्सिटी में पाकिस्तान में जाना चाह रहे हैं ना, जिस मेडिकल कॉलेज में, आप उनसे NOC लें यूनिवर्सिटी से। अगर वहाँ पर सीट खाली है, सबसे पहले आपने देखना है, NEP देने से भी पहले आपने देखना है पाकिस्तान में जिस आपने मेडिकल कॉलेज में जाना है वहाँ सीट खाली है या नहीं आपके लिए जिस सीट में जाना है, क्योंकि PMC ने भी या PMDC ने भी एक्स्ट्रा सीट्स नहीं देनी इंटरनेशनल मेडिकल ग्रेजुएट्स को, स्टूडेंट्स को। उन्होंने कहना है कि अगर जितने बच्चे हमने अलॉट किए ना हर मेडिकल कॉलेज को, वहाँ कोई सीट खाली है तो वहाँ पर बच्चा आ सकता है। उसके अलावा पिछले साल कुछ बच्चों ने NEP दिया है और वो टेस्ट देकर वैसे के वैसे बैठे हुए हैं क्योंकि उन्हें सीट्स कहीं नहीं मिल रही। सबसे पहले NEP देने से पहले आप सीट लें, NOC लें किसी भी यूनिवर्सिटी से, वो होता है कि ये सीट आपको अलॉट कर दी जाती है, आप NEP का रिजल्ट लेके आएंगे आपको ये सीट मिल जाएगी, आप बैठ सकते हैं। तो पहले वो लें NOC यूनिवर्सिटी से, उसके बाद आप वहाँ पर जा सकते हैं NEP क्लियर होने के बाद। ये ना हो कि आपने NEP क्लियर कर लिया और लेकिन आपको सीट ना मिल रही हो, फिर आपका ज़ाया हो जाना है, इधर से जहाँ से पढ़ रहे हैं वो भी ज़ाया होना है और NEP करने के बाद जो साल पूरे का पूरा वैसे पाकिस्तान में रहना आपने वो भी ज़ाया हो जाना। इस चीज़ को आपने जहन में रखना है, इस तरह सेमेस्टर बैक होता है। अगर आप जून वाला देते हैं तब भी आप थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर में जा सकते हैं, आपका सेमेस्टर बैक या कोई भी साल बैक नहीं करेंगे, बस आपके पास NOC होना चाहिए, वो थोड़े बहुत रेफरेंसेस होने चाहिए तो आपको साल बैक नहीं करेंगे। उसके बाद आ जाते हैं सिलेबस पे। बहुत सारे स्टूडेंट्स सिलेबस के बारे में पूछ रहे थे NEP का कहाँ से तैयारी करें और कौन कौन सा सिलेबस है। सिलेबस के लिए मैं आपको व्हाट्सअप नंबर दूंगा, आप सिलेबस ले भी सकते हैं। उसके अलावा मैं कुछ ओवरव्यू दे देता हूँ सिलेबस का और बताता हूँ कि कहाँ से तैयारी करनी है। ऑलमोस्ट 2.5 से 3 मंथ की जो प्रिपरेशन है NEP के लिए इनफ है, क्योंकि 50% मार्क्स चाहिए आपको, वो इसमें में हो जाती है। अगर आप पाकिस्तान में थर्ड ईयर के लिए जाना चाह रहे हैं तो उसमें जो उन्होंने सब्जेक्ट्स दिए हैं, एनाटॉमी, हिस्टोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी, सिस्टेमिक एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री, ये ऐसा थर्ड ईयर मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा टफ है, क्योंकि इसके अंदर एनाटॉमी जनरल और सिस्टेमिक दोनों है, रीजनल, और उसके अलावा एम्ब्रियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री, ये 5 से 6 सब्जेक्ट्स बनते हैं। उसके बाद आ जाते हैं फोर्थ ईयर के सिलेबस। फोर्थ ईयर सबसे ईजी है, अगर पाकिस्तान में आप फोर्थ ईयर में जाना चाह रहे हैं ना, आपको NOC मिल जाए, आप फोर्थ ईयर में जाएं। मैं बताता हूँ, फोर्थ ईयर में 3 सब्जेक्ट्स हैं सिर्फ, फार्माकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, ये फुल है ऑलमोस्ट, ये आपने फुल प्रिपेयर करनी है। कैसे प्रिपेयर करनी है वो मैं आपको बताता हूँ।
और पैथोलॉजी की बेसिक्स है, यानी कि पहले 5 चैप्टर्स, अगर आप रॉबिन्स से पैथोलॉजी पढ़ते हैं ना तो उनके पहले 5 चैप्टर हैं जो बेसिक्स के, वो हैं सिर्फ। फिफ्थ ईयर के लिए मैं आता हूँ, फिफ्थ ईयर में उन्होंने सिस्टेमिक पैथोलॉजी डाली, ये एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है सिस्टेमिक पैथोलॉजी। कम्युनिटी मेडिसन है, बायोस्टेटिक्स, ENT, ऑफ्थमोलॉजी, ये सब है फिफ्थ ईयर के लिए। अब मैं बताता हूँ इसकी प्रिपेयर कहाँ से करें। अभी जो थर्ड ईयर के लिए सब्जेक्ट्स हैं जैसे एनाटॉमी है, हिस्टोलो, एम्ब्रियोलॉजी, ये आप बुक से भी लिटिल बिट पढ़ सकते हैं उनके सिलेबस को सामने रख के। उसके अलावा अगर कोई लेक्चर आप देखना चाहें जैसे डॉक्टर नजीब है, कैपलान है, निजन है, इनके लेक्चर आप ले सकते हैं। अगर आप लाइन वाइज किसी के लेक्चर लेना चाह रहे हैं तो फोर्थ ईयर के लिए बेस्ट है कि आप फार्माकोलॉजी पढ़ें डॉक्टर नजीब से A to Z। बुक से आप लिटिल बिट रेफरेंस ले सकते हैं, मिनी कैटसन से या लिपन कोड से, वहाँ से रेफरेंस लें। माइक्रोबायोलॉजी के कुछ नोट्स वगैरह अवेलेबल होते हैं, मैंने ग्रुप में भी अपने भी सेंड किए थे, वहाँ से भी आप ले सकते हैं, वो भी पढ़ सकते हैं। उसके अलावा आपको माइक्रोबायोलॉजी की बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है अगर आप नोट्स पढ़ लेते हैं तो। तो पैथोलॉजी के रॉबिन्स के पहले 5 चैप्टर हैं, उन्हें मैक्सिमम 1 वीक चाहिए क्लियर करने के लिए, बस वो इजीली हो जाता है। फार्मा टाइम लेगी, फार्मा कम से कम आपके 2 मंथ्स लेगी, लेकिन वो ये है कि आप फिर जो पाकिस्तान में ग्रेजुएशन कर रहे हैं ना स्टूडेंट्स, उनसे भी अच्छी आपको फार्माकोलॉजी आ जाएगी, तो बेहतर ये है कि आप उनसे पढ़ के जाएं। फिफ्थ ईयर के लिए भी ऑलमोस्ट ठीक है, लेकिन फोर्थ ईयर में जाना बहुत ईजी है। आपका साल कोई भी बैक नहीं होगा अगर आप इन बातों को फॉलो करेंगे, आपके पास ट्रांसक्रिप्ट हो, उसके बाद आप NOC लें, NOC लेने के बाद आप जा सकते हैं, सबसे बेस्ट यही रास्ता है। NEP देने का अब जो सबसे बेस्ट इसके बेनिफिट्स क्या हैं वो मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो आपको एक्सपीरियंस मिलता है पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के साथ, क्योंकि आपने बाद में पाकिस्तान ही जाना होता है ज़्यादातर, तो वहाँ पे एक तो एक्सपीरियंस मिलेगा। उसके बाद उनके साथ पढ़ने का, उनके साथ हॉस्पिटल में जाने का एज अ आप रोटेशंस का, उसके बाद हाउस जॉब आपको ईजिली मिल जाएगी, जिस मेडिकल कॉलेज से आप पढ़ेंगे पाकिस्तान में उसी उन्हीं के हॉस्पिटल में आप हाउस जॉब करेंगे और आपको पे मिलेगी। अब ऑलमोस्ट पाकिस्तान में कम से कम 70,000 पे मिल रही है हाउस जॉब वालों को, मिनिमम 70,000 पे, ये इनफ है। उसके बाद आपको जब आप FCPS पार्ट 1 देंगे, पार्ट 2 देंगे, उसके दौरान फिर आपको तकरीबन 1.5 लाख समथिंग से स्टार्ट हो जाती है, या 1 लाख से स्टार्ट हो जाती है प्राइवेट में या गवर्नमेंट में। तो इस तरह आपका ये पाथवे बिल्कुल सीधा हो जाता है। इंटरनेशनल मेडिकल ग्रेजुएट्स के लिए ये होता है कि वो थोड़ा बहुत ना उन्हें जलील करते हैं पहले, एक तो उन्हें हाउस जॉब में पे नहीं देते, उसके बाद हाउस जॉब जल्दी मिलती नहीं है उन्हें, मिलती है तो फिर वो गवर्नमेंट सेक्टर में, और वहाँ भी बंदा बहुत ज़्यादा जलील होता है, सुबह शाम 48 घंटे कभी 36 घंटे की जॉब होती है, तो इस तरह। लेकिन ये जो है ये आपने सुबह 9 से शाम 5 या 6 बजे तक होती है जॉब, ये जो पाकिस्तानी ग्रेजुएट्स हैं उनके लिए। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द NEP। अगर आप कोई भी और क्वेश्चन हो NEP के लिए, और जो स्टूडेंट्स का क्वेश्चन था कि मेरे FSC में 60% मार्क्स हैं या 70% मार्क्स हैं, मैं एलिजिबल हूँ या नहीं, उसके लिए भी PMDC ने अभी कुछ बताया नहीं है, लेकिन लास्ट टाइम PMC ने कहा था अगर 60% वाला है तो वो एलिजिबल है। अगर PMDC के बारे में कुछ कहती है तो मैं इन्फॉर्मेशन शेयर कर दूंगा ग्रुप में भी और वैसे भी हर जगह, तो वो मैं आपको बता दूंगा। लेकिन आई थिंक अगर आपके 60% है FSC में तो आप एलिजिबल हैं, क्योंकि जो इंटरनेशनल ग्रेजुएट्स हैं उनके लिए उन्होंने कहा था कि अगर उनके 60% है ना तो हम एक्सेप्टेबल कर लेंगे, अगर 60 से कम है फिर भी हम पाकिस्तान आने के लिए उन्हें एक्सेप्ट कर लेंगे, क्योंकि अगर जिस यूनिवर्सिटी में आप पढ़ रहे हैं वो यूनिवर्सिटी आपको एक्सेप्ट करती है तो फिर हम भी एक्सेप्ट कर लेंगे। तो दिस वाज ऑल अबाउट द NEP। अगर अभी फेब में उसकी पोर्टल ओपन होती है रजिस्ट्रेशन की, वो मैं इन्फॉर्मेशन शेयर कर दूंगा। अगर उसके बाद वो कहते हैं कि जून वाला अब होगा तो उसकी इन्फॉर्मेशन मैं सारी इन्फॉर्मेशन शेयर कर दूंगा। आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन एट दिस टाइम मिल जाएगी। दिस वाज ऑल अबाउट द NEP। ओके, थैंक यू। डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर माई वीडियोज टू अदर पीपल। थैंक यू। डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर माई वीडियोज टू अदर पीपल सो दैट दे कैन ऑल्सो गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट द रेजिडेंसी प्रोग्राम्स एंड अदर मेडिकल वीडियोज।